हेलो, बढ़िया है ना। आज हम बात करेंगे जनरल सेफ्टी के बारे में। ओके, लगभग हर टॉपिक हम लोग क्लियर कर लिए हैं जनरल सेफ्टी। और इसमें हम मेंशन करेंगे TBT क्यों हम देते हैं, हमारा क्या रीज़न होता है कि पर डे TBT देते हैं या अल्टरनेट TBT करके देते हैं, TBT का मेन मकसद क्या होता है, इसका प्लांट में क्या रोल है, सेफ्टी में इसका क्या रोल हो सकता है, समझ गए। तो इसके बारे में आज हम टूल बॉक्स टॉक के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझा देना चाहें कि हम टूल बॉक्स देने का एक ही उद्देश्य है कि हम जो प्लांट में ओवरऑल काम करने वाले हैं, जिस काम के लिए हमें परमिट मिला हुआ है, जिस काम के लिए हमें ईश्वर ने इशू किया हुआ है परमिट कि इस काम को आप करने जाएं, ओके। तो TBT में हम ये सारा चीज़ मेंशन कर लेते हैं, मतलब सारा टॉप तो उसमें हम बता देते। जैसे ना मान लो कि कोई काम, जो भी काम करने जा रहे हैं, उसके क्या खतरे हो सकते हैं, साइड पे किस तरह से स्टार्ट करना है काम, है ना, काम का क्या मेथड ऑफ स्टेटमेंट है, किस तरह से हम किस प्रोसेस में करेंगे, उसका क्या खतरा होगा, उसके समय हम क्या प्रिकॉशंस लेंगे, हमें कौन कौन सा PPEs यूज करना है, हमारा सुपरवाइज़र कौन रहेगा, है ना, वो सारा चीज़। मतलब कि हम एक टूल बॉक्स टॉक में वर्कर को और सुपरवाइज़र के साथ एक बीच का हम कम्युनिकेशन बनाते हैं, समझ रहे हैं, बातचीत करके जो भी खतरा होगा, जो भी काम है, उसको हम खतरा के दौरान कम करने का आपस में डिस्कस कर लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, टूल बॉक्स टॉक। ये बहुत तरीका का हो सकता है इसका ना, टूल बॉक्स टॉक का टॉपिक अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बस टूल बॉक्स टॉक किसी एक ही टॉपिक, उसका कोई भी जनरल PPEs का हो गया, अभी हॉट वर्क, मतलब जो काम करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें क्या होता है, ओवरऑल जो पूरा दिन काम करेंगे उसके बारे में हम ब्रीफ समझते हैं टूल बॉक्स टॉक के दौरान, समझ गए बात। अगर एग्जांपल में बात करें, आज का काम आप लोगों का क्या होगा जी, आप लोगों का काम क्या चलेगा, अच्छा स्टेनर डाला जाएगा अंदर, ओके, वंडल फिक्सिंग होगा, वंडल फिक्सिंग बोले तो अंदर में, अच्छा पाइप, हाँ। तो मतलब अभी का आपको काम बता दूँ, जैसे ना ये एग्जांपल में बता रहा हूँ टूल बॉक्स टॉक क्या होता है जो अभी दे रहे हैं हम आपको। तो अभी बताया सर ने कि बंडल फिटिंग मतलब पाइप फिटिंग होगा, उसमें गैस आर्गन वेल्डिंग भी होगा, है ना, आर्गन वेल्डिंग होगा, फिर अंदर कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम होगा। तो वो एग्जांपल में आपको बता दूँ कि हम क्या बता सकते हैं TBT में, आपको क्या समझा रहे हैं अभी, कि मान लीजिए कि आप जा रहे हैं अभी हाइट पे काम करने जाएंगे ना, तो इसमें आपको पहले इंश्योर TBT के दौरान हम ये समझाई देना चाह रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, कि जो आप हाइट वर्क करने जाएंगे उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। पहले तो चाहिए आपको कि प्रॉपर प्रिपरेशन कर ले हाइट वर्क करने के लिए। तो हाइट वर्क करने के लिए आप या तो लैडर से काम कर रहे हैं तो लैडर हम ऑथोराइज लगाएंगे, जो कि सेफ्टी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उस पर टैग लगना चाहिए ग्रीन टैग कि हाँ भाई ओके, डिफेक्टिव लैडर हमारा नहीं है, ऊपर काम करने के लिए सही है, ठीक है जी, परमानेंट अच्छा प्लेटफॉर्म जो ऊपर हम काम करेंगे जिस पे बैठ के, वो प्लेटफॉर्म करने लायक है कि नहीं है, ठीक है। अगर हम ऊपर जाके फिर कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाएंगे तो उसमें हम कन्फाइंड स्पेस में क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, हमें एंट्री करने से पहले हमें क्या होना चाहिए, है ना, लॉक सीट लगेगा, अटेंडेंट लगेगा, वो सारा चीज़ हम आपको क्या करेंगे, मेंशन करेंगे TBT के दौरान। अब जैसे मान लीजिए कि आप हॉट वर्क करने जाएंगे तो हॉट वर्क के सारा जितने भी खतरा है और जितने भी हम प्रिकॉशंस मेजर लेंगे, ओके, उसमें आपको हम क्या करेंगे, समझाई देंगे TBT के दौरान, है ना। जैसे मान लो कि आप आर्गन वेल्डिंग करने जा रहे हैं तो आर्गन वेल्डिंग में आपके एज ए वर्कर, आप एज ए एक स्किल्ड वर्कर के आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये होना चाहिए कि भाई जो हम सिलेंडर यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर सही तरीका से ट्रॉली पे है कि नहीं है, सही है जी। नंबर सेकेंड, जो पाइप में गैस जाएगा वो कहीं लीकेज तो नहीं है ना, उसको हम चेक कर लेंगे गैस डाल के, फोम डाल के, कि कहीं गैस लीकेज तो नहीं कर रहा है ना। ये सारा प्रक्रिया हम क्या करते हैं, आपको रोज़ रोज़ मतलब या तो अल्टरनेट या तो रोज़ रोज़ हम समझाने का एक ही मतलब है कि वो ओवर व्यू आपको याद रहे चीज़ें, है ना, चीज़ें याद रहता है तो हम क्या करते हैं। देखिए, आदमी काम के प्रेशर में सारा चीज़ भूल जाता है, जब एक बार रिमाइंड हो जाता है तो क्या होता है कि क्लिक करता है कुछ नहीं, तो अगर 100% नहीं हो TBT से तो 20-30% चीज़ें याद होके क्लिक कर जाता है, तो हम लोग खतरा को ये भी रोकने का एक बहुत बड़ा उपाय है कि नहीं है। इसलिए हम जनरल साइड पे TBT करते हैं। TBT कराने के बाद हम क्या करते हैं, एक सीट देते हैं, आपका साइन कराते हैं
और सुपरवाइजर का भी साइन होता कि और सेफ्टी ऑफिसर भी साइन करेगा कि हाँ भाई TBT हुआ, आपने समझा इस बात को, ओके आप भी साइन करेंगे। और फिर उसमें क्या होता है कि शपथ ग्रहण करेंगे, हाँ भाई हम सेफली काम करेंगे, सेफ्टी के नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, हम कोई भी रूल को तोड़ेंगे नहीं, ऐसा होना चाहिए, समझ गए। ये होता है, यही उद्देश्य होता है हमारे टूल बॉक्स टॉक का। तो जो हम टूल बॉक्स टॉक करते हैं आप लोगों को समझ में आता है ना, क्लियर? और उसको फॉलो करने के लिए आप सहमत है ना? होता है, होता भी है, तो बढ़िया है, हम यही चाहेंगे, ठीक है जी, क्लियर? अच्छा, तो एक चीज़ अभी आप लोगों को समझा दी, थोड़ा सा ना ये क्लिक कर लेना, ओके कट दो।